नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम। मैं हूं निधि कुलपति। वाराणसी की ज्ञानव्यापी मस्जिद के सर्वे का मुद्दा आज वाराणसी की कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक छाया रहा। दोनों जगह अब 19 मई को अगली सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने शिवलिंग क्षेत्र की सुरक्षा का जिम्मा डीएम को सौंपा है, तो नमाजियों को भी कोई दिक्कत ना हो, ये बात कही है। उधर वाराणसी कोर्ट पर तो इस मुद्दे को लेकर सुबह से ही गहमागहमी रही। सर्वे के दौरान अंदर गए वादी पक्ष के वकील ने जब से ये कहा कि अंदर एक छोटे तालाब के बीच शिवलिंग मिला है, तब से ही इस सर्वे के नतीजों को सबका इंतजार है। कोर्ट शिवलिंग के आसपास की जगहों को सील करने के आदेश दे चुका है। इस बीच ज्ञानव्यापी मस्जिद का पक्ष इस बात से नाराज था कि सर्वे की कथित बातों को इस तरह कैसे मीडिया में लीक किया जा सकता है। मस्जिद पक्ष की ओर से इस सर्वे पर ही रोक लगाने की याचिका सुप्रीम कोर्ट में लंबित थी। मस्जिद पक्ष की ओर से यह भी कहा गया कि अंदर कोई शिवलिंग नहीं है, बल्कि जिसे शिवलिंग बताया जा रहा है वो एक पुराना पड़ा फुफारा है जिसे सनसनी फैलाने के लिए शिवलिंग बताया जा रहा है। इस बीच सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें सामने आ गई जिसमें कथित शिवलिंग को दिखाया जा रहा है, हालांकि इन तस्वीरों की अभी कोई पुष्टि नहीं की जा सकती है। कोर्ट की ओर से नियुक्त किए गए एडवोकेट कमिश्नर ने सर्वे को पूरा करने के लिए 2 दिन का और समय मांगा, लेकिन कोर्ट ने सुनवाई के दौरान सर्वे करने वाले मूल कमिश्नर अजय मिश्रा को ही हटा दिया है। सर्वे में शामिल विशेष कमिश्नर विशाल सिंह की शिकायत पर यह आदेश दिया। कोर्ट ने सर्वे रिपोर्ट के लिए 2 दिन और भी दे दिए। उधर एक और याचिका में आ गई है जिसमें मस्जिद की एक दीवार तोड़ने की मांग की गई है, और आपको पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं पहले कि आज वाराणसी की कोर्ट में क्या हुआ। हमारे सहयोगी अजय सिंह और सौरभ शुक्ला की रिपोर्ट देखिए। ज्ञानव्यापी मस्जिद की सुनवाई में ये एक नाटकीय मोड़ रहा, जिस सर्वे कमिश्नर अजय मिश्रा को मुस्लिम पक्ष के विरोध के बावजूद अदालत ने बनाए रखा, उन्हें आज एक अन्य विशेष कमिश्नर विशाल सिंह की शिकायत पर हटा दिया गया। दोनों कमिश्नर एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। बाइट दे रहा था और अफवाह फैला रहा था, गलत गलत बातें कह रहा था जो कि सच्चाई से परे थी। जो हम लोगों ने कमीशन कार्रवाई की है एकदम निष्पक्ष और बिना किसी भेदभाव की गई है। ये गलत है, मेरी चूक ये है कि मैंने जो है मेरी सिधाई का नाजायज फायदा उठाया गया। आपकी कोई गलती नहीं थी, आप निष्पक्ष थे। मैं एकदम निष्पक्ष था, मैंने कोई गलती नहीं थी। वैसे अदालत में मंगलवार खासी गहमा गहमी का दिन रहा। 3-3 नई अर्जियां दाखिल की गईं। पहली अर्जी सर्वे कमिश्नर की थी जिन्होंने रिपोर्ट के लिए 2 दिन और मांगे। दूसरी अर्जी हिंदू पक्ष ने दी कि मस्जिद की दीवार तोड़ी जाए ताकि शिवलिंग की माप की जा सके। सरकारी वकील ने वजूखानी के पाइप निकालने की अर्जी दी। हम लोगों ने आज याचिका दायर की है कि जो हम लोग के शिवलिंग मिले हैं वो जो है कि उसमें बहुत मलबा है, और उन लोगों ने वहाँ पे क्या बोलते हैं जहाँ पे वो लोग करते हैं वो वहाँ पे हम लोगों ने करने के लिए मना किया है। वहाँ मछलियाँ हैं, वो रहे वो जीव है, लेकिन वहाँ पे वजू नहीं करना है। अदालत ने सर्वे रिपोर्ट के लिए 2 दिन और दे दिए हैं। इस मामले में 19 को सुनवाई होगी। बाकी 2 मामलों में बुधवार को ही सुनवाई चलेगी, लेकिन अब सर्वे पर ही सवाल खड़े हो रहे हैं। ये पूरा सर्वे ही सवालों में आ गया है। जो सर्वे करने वाले कोर्ट कमिश्नर थे वो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। एक कमिश्नर अजय मिश्रा को जो 3 दिन सर्वे कराते रहे, निर्देश देते रहे, उन्हें कोर्ट ने ही हटा दिया है। अजय मिश्रा साहब विशाल सिंह पर राजनीति करने का आरोप लगा रहे हैं। तो सोचिए, ये तो सर्वे कमीशन के हाल हैं। तो फिलहाल अब ये रिपोर्ट दाखिल की जाएगी 2 दिन बाद कोर्ट में। विशाल सिंह का दावा है कि रिपोर्ट निष्पक्ष है, तय अब कोर्ट को करना है, लेकिन इस पूरी रिपोर्ट पर सवाल उठने जायज हैं। बनारस में सहयोगी विनीत कुमार और अजय सिंह के साथ सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। इस बीच मुस्लिम पक्ष की ओर से मस्जिद की दीवार तोड़ने का आग्रह को लेकर दी गई याचिका पर का विरोध किया गया है, तो उनके वकील रईस अहमद अंजुमन इंतजामिया कमेटी आई, उनको सुन लेते हैं। उनकी तरफ से यह है कि जिसे हम फाउंटेन या फव्वारा कहते हैं उसे शिवलिंग कहते हैं, तो कहते हैं कि नीचे तहखाने जो है उसमें कोई दरवाज़ा वगैरह दीवार के अंदर है, तो दीवार के अंदर क्या चीज़ उनको कैसे दिखाई देती है। वो एक तरह से मस्जिद को ध्वस्त करना चाहते हैं और उसके लिए जो पूर्ण प्रयास हो सकता है वो कर रहे हैं। उनका कहना कि पूरब तरफ उत्तर तरफ कोई दरवाज़ा है, पूरब तरफ कोई दरवाज़ा है, जबकि पूरी दीवार है, कोई दरवाज़ा वगैरह ऐसा नहीं है।
और उसको दीवार को तोड़ने, छतों को तोड़ने और टाइप को तोड़ने और सब तोड़ने टाड़ने की बात कर रहे हैं, जो कि जनरल कमीशन के लिए ऐसा जो है मुमकिन भी नहीं। और एक कमीशन की कार्रवाई पूर्ण हो चुकी है, अभी कमीशन कार्रवाई पूर्ण होने के बाद रिपोर्ट आई नहीं है और रिपोर्ट आने के पहले वो इस तरह की बातें कर रहे हैं, तो उस पर विस्तृत जवाब जो है वो दिया जाएगा। उधर ये मसला आज ही सुप्रीम कोर्ट में भी उठा। मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में ज्ञानव्यापी मस्जिद के सर्वे के आदेश पर रोक लगाने की मांग की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने से इनकार कर दिया। हालांकि निचली अदालत के आदेश पर संशोधन करते हुए कहा कि जहां शिवलिंग मिला है वो जगह क्षेत्र जो है उसको सुरक्षित रखा जाए, लेकिन इस बात का ध्यान रखा जाए कि किसी को भी नमाज अदा करने में दिक्कत ना हो। आइए ये रिपोर्ट भी देख लेते हैं। जिस समय वाराणसी की कोर्ट ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे को लेकर सुनवाई कर रही थी, ठीक लगभग उसी समय सुप्रीम कोर्ट में भी यही मामला सुना जा रहा था। अदालत से मांग की गई थी कि वो वाराणसी कोर्ट के सभी आदेशों पर रोक लगाए, यानी सर्वे ना हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वाराणसी की अदालत में सुनवाई चलती रहेगी, जहाँ शिवलिंग है उस जगह की सुरक्षा भी की जाए, लेकिन मुसलमानों को वहाँ नमाज पढ़ने में मुश्किल ना हो। कोर्ट ने सुनवाई के बाद ये तय किया कि इस पे आगे सुनवाई 19 तारीख को 19 मई को होगी, और इस बीच में अपने ऑर्डर में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो जहां पर एक शिवलिंग माना गया है कि वो पाया गया है, उस इलाके को प्रोटेक्ट करना है, उसका वहां पर सिक्योरिटी जो है, जैसे ट्रायल कोर्ट ने कहा, वो उसे प्रोटेक्ट करना है, और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को इसके लिए कहा गया, जो वाराणसी के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट है। दरअसल वाराणसी की अदालत ने वजूखाने को सील करने का आदेश देते हुए अधिकतम 20 लोगों को नमाज पढ़ने की छूट दी थी। अदालत ने यह आदेश संशोधित किया। हालांकि मुस्लिम पक्ष ने वाराणसी कोर्ट के पूरे आदेश पर रोक लगाने की अपील करते हुए कहा कि अदालत ने कमिश्नर की रिपोर्ट के बिना वजूखाना सील करने के आदेश दिए, पूजा स्थल कानून का उल्लंघन नहीं हो सकता। इलाहाबाद हाईकोर्ट ऐसा मुकदमा रोक चुका है। जबकि यूपी सरकार की ओर से पेश सोलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, जहां बताया गया शिवलिंग मिला है, अगर नमाजी वजू के दौरान उसे पैर से छूते हैं तो कानून व्यवस्था की स्थिति हो जाएगी, लिहाजा उस बताए गए शिवलिंग के चारों ओर उस पूरे क्षेत्र की मजबूत सीलबंदी और सुरक्षा की जाए। अदालत ने इस मामले में हिंदू पक्ष और यूपी सरकार को नोटिस जारी किया है। मामले की अगली सुनवाई 19 मई को तय हुई है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले की गंभीरता को बाखूबी समझता है। वो जानता है कि ये सिर्फ ज्ञानवापी का मामला नहीं है, अगर ऐसे मामलों में ढील दी गई तो फिर पूरे देश में मंदिर मस्जिद के राजनीतिक मसूबे खड़े हो जाएंगे, इसलिए सुप्रीम कोर्ट इस मामले में फूंक फूंक कर कदम रखना चाहता है। नई दिल्ली से शरद शर्मा और राकेश सिंह के साथ आशीष भार्गव, NDTV इंडिया। और प्राइम टाइम में सबसे पहले हमारे साथ फैजान मुस्तफा साहब हैं, संविधान विशेषज्ञ हैं। सर, मैं आपसे पहले यही समझना चाहूंगी, आज सुप्रीम कोर्ट का भी हमने रुख देखा, ट्रायल कोर्ट की तरफ से भी सामने आया, आपका आंकलन क्या है? आप कानून के जानकार हैं, इस मामले का आज का दिन कैसा रहा? निधि जी, देखिए, जो बनारस की कोर्ट थी वो इस मामले में अब बहुत कुछ नहीं कर सकती थी। उन्होंने सर्वे का आदेश दिया, उस सर्वे की रिपोर्ट आनी चाहिए थी, रिपोर्ट नहीं आई, आपस में कमिश्नर्स में कुछ डिस्प्यूट हो गया, विच इज अनफॉर्चुनेट, क्योंकि अजय साहब के बारे में पहले भी एक पक्ष ने कहा था कि इनकी निष्पक्षता पर प्रश्न चिन्ह है, लेकिन अदालत ने उस वक्त वो बात नहीं मानी। इनफैक्ट जो सर्वे की टीम थी कमिश्नर्स की, वो कॉन्फिडेंस दूसरी पार्टी में पूरी तरह नहीं जीत पाई, जो कि अच्छी चीज नहीं है, और ऐसे में रिप्रेजेंटेटिव टीम बनानी चाहिए। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि उसमें कोई मुसलमान कमिश्नर होना चाहिए, क्योंकि एक लॉ के स्टूडेंट की हैसियत से हम जो कमिश्नर कोर्ट अपॉइंट करती है उसको रिस्पेक्ट देते हैं, लेकिन ऐसे लोग, चाहे वो हिंदू, जिनकी इंटीग्रिटी पर कोई प्रश्न ना हो, जो उनके ओपिनियटेड ना हो, और वो एक ऑब्जेक्टिव सर्वे करें, ऐसे लोगों को बनाना चाहिए। तो उस कोर्ट ने एक कमिश्नर को हटा दिया और दो दिन का टाइम दिया रिपोर्ट देने के लिए। मैं समझता हूं कि ऐसे मामले में इस तरह की चीज होती है, लेकिन कल का जो उस कोर्ट का ऑर्डर था, जबकि छुट्टी का दिन था, उसने मुझे थोड़ा सरप्राइज किया था। अगर वही ऑर्डर आज पास होता तो शायद बेहतर होता।
सुप्रीम कोर्ट के बारे में निधि जी, उनके पास भी कोई बहुत ऑप्शन नहीं था। सुप्रीम कोर्ट बिना यूपी सरकार को, बिना बनारस के एडमिनिस्ट्रेशन को सुने हुए इस मामले में पूरी तरह कोई स्टे नहीं दे सकती थी। अगर ऐसे स्टे की उम्मीद अंजुमन के लोगों को थी तो वो मैं समझता हूं किसी खुशफहमी में रह रहे थे, क्योंकि जो नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल है वो ये है कि दोनों पक्षों को सुना जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो मुसलमान वहां नमाज पढ़ने जाते हैं या वजू करना चाहते हैं, नमाज पढ़ने से पहले अपने हाथ मुंह धोना चाहते हैं, उनको इजाजत दी है। जो 20 नमाजियों की शर्त बनारस की कोर्ट ने लगाई थी उसको उन्होंने ओवर रूल कर दिया है। और मैं समझता हूं कि सॉलिसिटर जनरल की जो दलील थी तुषार मेहता जी की, कि अगर वो शिवलिंग है और अगर वजू करने में उसका कोई अनादर होने का शक भी है तो फिर उसको उतने हिस्से को सील कर दिया जाए, तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी कानूनी तौर से सही है और उन लाइंस पे है जो एक्सपेक्टेड लाइंस होती हैं। लेकिन मैं इसमें एक चीज और ऐड करना चाहता हूं निधि जी, कि अगर 17वीं सदी की किसी मस्जिद में कोई शिवलिंग है या मूर्तियां हैं तो इतने सैकड़ों साल तक, कोई तकरीबन 300 350 साल तक, अगर उनको कोई नुकसान मस्जिद इंतजामिया ने या नमाजियों ने नहीं पहुंचाया तो ये बहुत प्रशंसनीय है कि वो वहां पे, ये तो डिस्प्यूट अब होने शुरू हुए हैं, लेकिन ये कि आप सोचिए कि मुगलों का दौर ही 1857 तक रहा, औरंगजेब के मरने के बाद 150 साल तक और मुगल राज्य था, और देश की आजादी फिर 47 में होगी और उसके बाद भी 70 साल गुजर चुके हैं। तो अगर किसी भी मस्जिद में मूर्तियां हैं और उन मूर्तियों को किसी ने नुकसान नहीं पहुंचाया तो ये भी ये बात एक साबित करता है कि हम भारत के लोग एक दूसरे की जो धार्मिक श्रद्धा है उसका आदर करते हैं, और वो मैं समझता हूं कि बहुत तारीफ लोग के लायक बात। बिल्कुल, जो ये शब्द बनाए बनारस, वो इसीलिए बना है कि समरसता बनी है वहां पर, जो रस दो तमाम जो वहां पे लोग रहते हैं। मैं आपसे एक चीज और कानूनी तौर पे ये भी पूछना आपसे चाहूंगी कि ट्रायल कोर्ट की निष्पक्षता पर सवाल आज बहुत हमारे सहयोगी थे जो वहां पर मौजूद लोग हैं वो उठा रहे थे। वो ये कह रहे थे कि देखिए जो कमिश्नर थे अजय, उनको हटाया गया, जब एक पक्ष ने मांग की उनकी तब नहीं हटाया गया, दो असिस्टेंट उनको दे दिए गए, लेकिन जब विशाल सिंह जो दूसरे विशेष कमिश्नर थे उन्होंने सवाल उठाया तब जाके हटाया गया, और आरोप लगे उन पर कि मीडिया में लीक हुआ। हालांकि उन्होंने कहा है कि मेरी तरफ से लीक नहीं हुआ, जो वीडियोग्राफर थे उन्होंने शायद लीक किया होगा। लेकिन अपने आप पे, और जिस तरह से आपने खुद कहा कि छुट्टी वाले दिन सुनवाई हो जाती है, तो जो एक कानून के जब कोई मामला लड़ा जाता है तो एक भरोसा या कॉन्फिडेंस होता है कि निष्पक्षता रहे, उस लिहाज से क्या कुछ सवाल उठते हैं जो लोगों के जहन में रहेंगे? देखिए निधि जी, जब आप नीचे की अदालत के किसी भी फैसले को ऊपर की अदालत में चैलेंज करते हैं तो आप हर वो दलील लेना चाहते हैं जिससे ऊपर की अदालत को ये लगे कि इस फैसले में शायद हमें दोबारा रिव्यू करना चाहिए या स्टे कर देना चाहिए, तो इस तरह की बातें कही जाती हैं। मैं समझता हूं कि सारे जजेस इंडिपेंडेंट हैं, लेकिन ये जो सोशल मीडिया का जमाना है जिसमें हमारी आज से 5 साल और 10 साल पहले भी हमने कोई चीज कहीं लिखी या ट्वीट किया कोई, वो ट्वीट आ जाते हैं पब्लिक डोमेन में, और उससे ये लगता है कि ये आदमी जो है इसका क्या ओपिनियन है। तो जो भी पब्लिक लाइफ में हैं, खास तौर से जजेस, उनको ट्वीट करने में बहुत केयरफुल होना चाहिए। और जब भी किसी जज की इम्पार्शियलिटी पे शक हो तो ऐसे में आम तौर से उस जज को खुद रिक्यूज कर लेना चाहिए। यहां पे भी ये हो सकता था कि वो डिस्ट्रिक्ट जज सही है, कहते हैं कि साहब मेरे बारे में क्योंकि पार्टीज को विश्वास नहीं हो रहा है इसलिए आप इसको कोई और जज असाइन कर दें। दरअसल देखिए, पूरा लीगल सिस्टम निधि जी जो है वो लोगों का रूल ऑफ लॉ में और न्यायपालिका में विश्वास पर टिका है।
जैसे कहते हैं ना, जस्टिस शुड नॉट ओनली बी डन, इट शुड अपीयर टू हैपन। बिल्कुल, हालांकि वकील साहब ने अपनी सुरक्षा को लेकर चिंता भी जताई थी और उनको लिखित अपने आदेश में भी कहा था। मैं आपसे एक, मेरे पास समय जो है उसके हिसाब से पूछना चाह रही थी, जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है उससे पहले 1991 उसकी बहुत चर्चा हो रही है, 2021 में इसके रिव्यू की बात सामने आई, सुप्रीम कोर्ट ने शायद उसे एक्सेप्ट भी कर लिया और केंद्र से जवाब मांगा है। अब अश्विनी उपाध्याय उन्होंने उठाया है और उनका ये कहना है कि संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 21, 25, 26, 29 का उल्लंघन है, ये पूरा ये जो मामला है ये तो राज्य सरकारों के अधीन आता है के, तो आप कैसे देख रहे हैं, क्या जो ये एक एक्ट है जिसकी बुनियाद पे बहुत सारे पक्षों का दारोमदार है, क्या इसमें कुछ बदलाव हो सकता है या आप कैसे देख रहे हैं इसे? देखिए नीति जी, मैं बात आपको संक्षेप में बताऊं कि जो मुस्लिम पक्ष पूरा केस बनाए हुए है वो 91 के लॉ पे बनाए हुए। मैं हमेशा ये मानता हूं कि कम्युनिटीज के रिश्ते कभी लॉ से डिसाइड नहीं होते, बल्कि वो गिव एंड टेक से, प्यार और मोहब्बत से डिसाइड होते। कानून संसद ने जो बनाया उसके विरुद्ध सरकार बोले, ये बिल्कुल नई चीज होगी, क्योंकि सरकार को हमेशा संसद के बनाए कानून की को रक्षा करनी होती है, यानी भारत सरकार को उस कानून के फेवर में सुप्रीम कोर्ट में बोलना होगा। लेकिन अक्सर ये होता है कि सरकारें ये कहती हैं कि साहब वो तो विपक्ष ने बनाया था, अब ये कानून भी आपको मालूम है कि कांग्रेस ने बनाया था 91 के, उसमें जब तक ये कानून है तब तक ज्ञान व्यापी का केस हल नहीं हो सकता। अब इसकी दो सूरतें, या तो संसद में अमेंडमेंट करके इस लॉ को बदल दिया जाए, या इस लॉ को रिपील कर दिया जाए, या सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दायर हुई उस याचिका में सुप्रीम कोर्ट ये कहे कि ये लॉ असंवैधानिक है। मुश्किल यह है कि बाबरी मस्जिद के केस में सुप्रीम कोर्ट इस लॉ की बहुत तारीफ कर चुकी है, सुप्रीम कोर्ट ये कह चुकी है कि मुगल शासकों के किसी भी मामले का हल हम अदालत में नहीं निकाल सकते, नॉन रेट्रोग्रेशन जो है वो हमारा प्रिंसिपल है, जो इतिहास में गलतियां हुई उनको अदालत और लॉ नहीं सुधार सकते, और ये कानून जो है ये हमारी धर्मनिरपेक्षता का जो ऑब्लिगेशन है उस ऑब्लिगेशन के फर्दरेंस में है। तो ये बात भी सही है कि बाबरी मस्जिद के केस में डायरेक्टली 91 का एक्ट जो था वो डिस्प्यूट में नहीं था और उसकी संवैधानिकता पर बहस नहीं हुई। तो सुप्रीम कोर्ट अब मुझे ये लगता है कि इस मामले में पहले ये रिफर करेगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कि आप 91 के एक्ट की एक बेंच बनाएं ताकि वो उसकी संवैधानिकता डिसाइड करे। अगर वो संवैधानिक है तो फिर जो भी किसी प्लेसेस ऑफ वर्शिप का इस नेचर और कैरेक्टर 15 अगस्त 1947 को है उसको बदला नहीं जा सकता। अजीब बात यह है कि बनारस की कोर्ट ने ना तो सुप्रीम कोर्ट की मानी, जो 5 जज बेंच का बाबरी मस्जिद जजमेंट था, ना प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के सेक्शन 2 क्लॉज 4 में लिखा था कि कोई भी सूट अब फाइल नहीं किया जा सकता, और कोई भी सूट अगर फाइल है तो उसे 91 के एक्ट के हिसाब से ही डिसाइड करना होगा। तो बनारस की कोर्ट, क्योंकि संवैधानिक कोर्ट नहीं है, वो संवैधानिकता नहीं दे सकती 91 के एक्ट की, तो मैं ये समझता हूँ थोड़ा उन्होंने जुडिशियल डिसिप्लिन के अगेंस्ट जाके काम किया। बिल्कुल, और फैजान साहब आप जुड़े, आपने इतनी बातें समझाई और लोग भी समझेंगे कि किस तरह से कानून बनते हैं, लेकिन जो निभाना पड़ता है वो लोगों को निभाना पड़ता है, और बनारस की जनता की समरसता बनी रहे बहुत अहम है। हमारे साथ गीता भट्ट राजनीतिक विश्लेषक और एसएम खान लेखक हैं, राष्ट्रपति के पूर्व प्रेस सलाहकार हैं एसएम खान, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है, आप दोनों हमारे साथ हैं। मिस्टर खान, आज आपने एक लेख लिखा है और आपने जिस तरह से प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की जो बुनियाद है हमारे यहाँ धर्मनिरपेक्षता की, सामाजिक समरसता की, उसकी बात कही है, आज ये एक बार फिर से ज्ञानव्यापी मस्जिद का जो ये मामला सामने आया है, ये जो एक्ट है, ये जो कानून है, चर्चा में आ गया है। लेकिन अब जिस तरह से आप फैजान मुस्तफा साहब को भी सुन रहे थे, वो कह रहे थे कि क्योंकि इसको एक बारी रिव्यू की बात आई है 2021 में पहली बार, क्या आप देखते हैं ये आधार जरूर है लेकिन कहां पे पहुंचा हुआ है ये एक्ट? देखिए निधि, बहुत बहुत शुक्रिया आपने मुझे इन्वाइट किया। जहां तक प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 91 का क्वेश्चन है, जैसा फैजान साहब ने भी अभी डिटेल में डिस्कस किया, वो एक्ट इसलिए पास किया गया था 1991 में, उसके बैकग्राउंड में राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद डिस्प्यूट उस जमाने में चल रहा था और दोनों पक्षों में
बातचीत चल रही थी और ये हो रहा था कि शायद इस मसले का कोई हल निकल सकता है। और उसके बाद पार्लियामेंट ने अपने विजडम में ये बेहतर समझा कि इस मसले का हल तो निकल आएगा, मगर जो और बहुत से मसले हैं जो टाइम टू टाइम रेज होते रहते हैं, उनको रेज ना किया जाए और उनकी हिस्ट्री में ना जाया जाए, और 15 अगस्त 1947 को जो पोजीशन थी वो स्टेटस को मेंटेन रखा जाए, और उसमें कोई लीगल प्रोसीडिंग्स और लीगल केसेस और ये सब चीजें नहीं चलेंगी। अब ये मैटर फिर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने पेंडिंग है, क्योंकि जैसा आपने भी कहा कि पिछले साल कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ दिस एक्ट हैज बीन चैलेंज्ड इन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को उसमें डिसीजन लेना है, मगर जब तक मगर कोई स्टे इस एक्ट पर नहीं है, दिस एक्ट रिमेन्स ऑपरेशनल, इट हैज नेवर बीन स्टेड बाई सुप्रीम कोर्ट और एनी अदर कोर्ट। हाउएवर उसका जो संवैधानिक स्थिति है उसको कुछ लोगों ने चैलेंज किया, उसका ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा, मगर जब तक ये एक्ट जब तक वो फैसला नहीं आता है, ये एक्ट ऑपरेशनल है और सारे ऐसे डिस्प्यूट्स पे पूरे भारत में लागू होता है, ये कोई एक इशू का मैटर नहीं है। लेकिन खान साहब, ये एक्ट है, कानून है, सब जानते हैं, लेकिन जिस तरह से निचली अदालत ने संज्ञान नहीं लिया, सुनवाई हुई, सर्वे के ऑर्डर दिए गए, तमाम चीजें आगे बढ़ी, अब सुप्रीम कोर्ट भी आदेश देना पड़ा, आपको लगता है कि ये बहुत कमजोर पड़ चुका है? बहुत एक्ट कमजोर पड़ चुका है। देखिए, एक्ट तो कभी कमजोर नहीं होता, इसका इम्प्लीमेंटेशन कमजोर और स्ट्रांग हो सकता है, मगर क्योंकि मामला फिर सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है और मुझे उम्मीद है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इस बारे में जल्दी ही कोई डिसीजन लेंगे। और इसी बीच में जो बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि केस था, उसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इस एक्ट के बारे में जिक्र कर चुका है बिल्कुल, कि एक्ट हिंदुस्तान के सेकुलर फैब्रिक को कायम रखने के लिए, हिंदुस्तान के सेकुलरिज्म को कायम रखने के लिए, हिंदुस्तान की यूनिटी एंड डाइवर्सिटी को कायम रखने के लिए एक बहुत अच्छा स्टेप उस समय के पार्लियामेंट ने उस समय पर लिया था। मगर अब जो भी अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा वो सभी लोगों को नेचुरली मान्य होगा और सारी अदालतों को उसका पालन करना होगा कि कोई भी ऐसा मैटर अगर है और वो अगर गवर्न होता है 91 के एक्ट से, तो उस पे आगे की कार्रवाइयां नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, और मैं गीता जी को भी ले लेती हूँ सर। गीता भट्ट, कई मामले अब लगातार सामने आ रहे हैं, आज मथुरा का भी मामला सामने आया और इस कानून की बार बार सामने लाया जा रहा है, बहरहाल कोर्ट इसका ध्यान रखेगा, लेकिन आपका नजरिया का, क्योंकि जब ये पूरा सर्वे शुरू हुआ था ज्ञानव्यापी मस्जिद वाले मामले में श्रृंगार गौरी की बात की जा रही थी, लेकिन अब वो शिवलिंग की बात जिस तरह से मीडिया में सामने आ गई है, तमाम और चीजें पहलू पीछे रह गए हैं, आपका क्या आंकलन है, किस ओर जाता हुआ दिख रही है आपको स्थिति? गीता, मैं आपको सुन नहीं पा रही हूं। आप सुनाई दे रहे? जी 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 मैं ये कह रही हूँ कि अगर आप ये पूरा विषय देखें तो 1992 से पहले जो श्रृंगार गौरी की पूजा है वो बड़े आराम से होती थी, और बहुत सारे आपको पुराने लोग ऐसे मिलेंगे जो कि वहां जाते थे और उन्होंने ये सब देखा है। शिवलिंग वगैरह की जो बात अभी आ रही है, ये सब लोगों ने खुद अपनी आंखों से देखा, ऐसे लोग हैं। और उसको 1992 में जब बाबरी ढांचा गिरा, उसके बाद यहाँ जो रोक लगी और उसके बाद से जो है इसकी अनुमति नहीं दी, तो ऐसा नहीं है कि वहां कभी श्रृंगार गौरी की पूजा होती नहीं थी। कुछ महिलाएं गई हैं और उन्होंने, उनकी प्रार्थना ये है कि हमें आज्ञा दी जाए कि हम जाके वहां वहां पे जाकर अपनी पूजा अर्चना कर सकते ना। विषय ये है कि ऐसे बिल्कुल हम सब जानते हैं कि इतिहास में ये दर्ज है कि जब भी आक्रांता आए तो उन्होंने जो है ऐसे मंदिरों को गिराया और उन्हीं का एक तरह से जो प्रबल होता है उसी से दोबारा ढांचे मस्जिद के रूप में उन्होंने बनाया। ऐसा सब जगह बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन है, आप ही के द्वारा एक बड़ी अच्छी मैंने वो देखी डॉक्यूमेंट्री, जिसमें बहुत सारे जो है इतिहासकारों के द्वारा किस तरह प्रमाण दिया गया है कि वहां पहले मंदिर था, ये सब है। विषय यहाँ ये है कि क्या ऐसा ऐसा क्यों है कि समाज में मुस्लिम पक्ष इस बात से एक सेंस ऑफ मतलब डिनाइल मोड में कि वहां पहले कभी मंदिर नहीं थे, कि उन मंदिरों को ढा के इन मस्जिदों को बनाया गया है।
मुझे लगता है यहाँ विषय ये भी है कि कहीं ना कहीं समाज में इस बात को स्वीकार, इस डिनायल मोड से बाहर आने की आवश्यकता है और उस बात को माना। ठीक है, ये बात अलग है कि भाई भाई उसने आगे अपनी पूजा अर्चना मुसलमान किस तरह से करते करते रहे, वो बात एक दूसरी है। लेकिन गीता जी, अगर आपने सुना, फैजान साहब ने एक बहुत उम्दा बात कही। उन्होंने कहा कि अगर देखिए, अगर वहां पे वजू एक जो जगह है वहां पे अगर हमारा शिवलिंग है भी तो उसको कोई क्षति नहीं हुई है। तो ये बनारस की जो समरसता उसको प्रतीत करता है कि अगर मूर्तियां हैं भी तो वो खंडित नहीं है, वहां पे हैं, बनी हुई हैं। तो जो एक जो पहले इतिहास में हुआ वो हुआ होगा, लेकिन अब इस तरह से उस पर करना, शिक्षा का तो असर हम सब पे होना चाहिए। उस लिहाज से क्या आपको ये नहीं लगता है कि अब वहां पे है वो तुम्हारे तो अब शिवलिंग है ही जहां पे जाके सब पूजा अर्चना करते हैं, तो उस लिहाज से दीवार तोड़ना या दूसरे समाज में भय पैदा करना ये कितना औचित्य है इसका? देखिए, मैं बिल्कुल फैजान साहब ने बात कही उसको मैं मानती भी हूँ। और एक बात और भी कहना, उन्होंने कहा मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि छुट्टी के दिन जो है कोर्ट ने जो है अपना ऑर्डर निकाला, तो मुझे ध्यान आया कि जिस देश में तो जब याकूब मेमन जैसे आतंकवादी को फांसी होनी थी तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के घर बड़े बड़े लॉयर पहुंचे थे और सुबह 3 बजे सुनवाई करी गई थी, जब पिटीशन जो है राष्ट्रपति ने उनकी रिजेक्ट कर दी थी। तो यहाँ ऐसा भी हुआ है इस देश में, ये भी जरा ध्यान रखने वाली बात है। मुझे कान में कहा जा रहा है, मेरे सहयोगी ने बग्गा बग्गा के उसपे भी रात बैठे थे। बहरहाल तो मैं ये कहना चाह रही हूँ यहाँ कि आप देखिए, कई कई कुछ ऐसे स्थान है जिनका की जो भारतीय समाज है, हिंदू समाज है, उनमें वो सिर्फ पूजा अर्चना के स्थल में, वो कहीं ना कहीं अध्यात्म और सांस्कृतिक केंद्र रहे हैं इस भारतीय समाज में। और इसलिए कहीं ना कहीं ये बात बार बार उत्तर आती है मेरे ख्याल से, जिसमें बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। और जितने भारतीय काशी विश्वनाथ जी का बाबा भोलेनाथ का शिवलिंग वहां पे है, जब 95% जो वहाँ जो भारतीय गीता भट्ट गीता भट्ट मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी, जब ठीक है काशी विश्वनाथ जी का तो वहां पे शिवलिंग है, पूजा अर्चना के लिए लोग जाते हैं, याचिका ये दी गई थी कि गौरी श्रृंगार का वहां पे पूजा अर्चना हो, वहां पे आगे बढ़ा जाए, अब उनकी कोई बात ही नहीं हो रही है। अब एक वहां पे जो एक जगह है उसके अंदर एक शिवलिंग मिल गया, उनकी बात हो रही है। तो मतलब क्या हम भटक गए हैं क्या? जो मांगे आप लोग मांग रहे थे क्या उससे भटक गए हैं? रास्ता साफ नहीं, अब बड़ी चीज मिल गई तो अब उधर ही चले? देखिए, ऐसा है कि वहां जो तथ्य है, ये सारे तथ्य जो है ये सब आपको बहुत सारा, अगर एविडेंसेस पे जाएंगे, तथ्यों पे जाएंगे, तो इतने सारे तथ्य मिल जाएंगे कि उसको हम जो है उससे नकार नहीं सकते कि वहां पे मंदिर था। विषय यह, लोग कह रहे हैं हमें भी अंदर जाके पूजा अर्चना करने की, यही तो एक अपील करी गई है। तो अगर उस अपील को, ऐसा क्यों है कि जो वहां की मस्जिद कमेटी है वो इस बात से पहले तो कितना विरोध किया उन्होंने, इसका मतलब कि उन्हें मालूम है कि वहां की जो जो विशेष स्थिति है वहां, उनको वो सब बातें मालूम है, तो वो विरोध क्यों करे? मेरे ख्याल से आज आवश्यकता ये है कि वो आके इस बात को स्वीकारे कि हाँ यहाँ एक मंदिर था, इसे एक राजा ने, उस समय का जो राजा था उसने इसको ध्वंस किया। और वहां की उस समय भी जो है आप औरंगजेब की मानसिकता को देखिए कि इतना शक्तिशाली राजा पूरा मंदिर ढहा सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। क्यों? ताकि आगे आने वाली पीढ़ियों को याद रहे कि किस प्रकार से इस मंदिर को ढहाया गया। गीता जी, आप पूरा इतिहास में उधर जाकर चीजें सामने रख रही हैं और वाकई में ये चीजें भी हैं, लोगों के जहन में तमाम सवाल हैं, लेकिन अब तो सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर ये पहुंच गया है। तमाम कानून हमारे देश के सामने हैं, लेकिन क्या कानून बदले जा सकते हैं? किस तरह का असर होगा इस पूरे मामले का राजनीति पर, ये भी देखना बहुत अहम होगा, और लोगों की भावनाओं पर और जो सामाजिक समरसता पर, ये एक अहम पहलू रहेगा इस मामले के। आप लोग दोनों जुड़े बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद बस्तर से जुड़ी हुई एक अहम खबर आपको दिखाएंगे, बने रहिए हमारे साथ। बस्तर के इतिहास के सबसे बड़े आंदोलन पर रिपोर्ट, जानते हैं ग्रामीण क्यों हैं साल भर से नाराज।
बस्तर के इतिहास का शायद ये सबसे लंबा आंदोलन है। सुकमा के सिलगेर में 17 मई को एक कैंप के विरोध में उतरे आदिवासियों पर कथित तौर पर सुरक्षा बलों ने फायरिंग कर दी, जिसमें 14 साल के उइका पांडू को वासी वागल और उर्सा भीमा की मौत हुई। भगदड़ की चपेट में आने से गर्भवती पूनम सोमली ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। 40 से ज्यादा लोग घायल हुए। ग्रामीणों का कहना है कि 11 मई की रात को बगैर उनकी सहमति के कैंप बना दिया गया, जो अनुसूचित क्षेत्रों के लिए पंचायत विस्तार अधिनियम पेसा 1996 के तहत अवैध है। 295 लोगों को लाठीचार्ज किया गया। उसके बाद 17 मई को 3 ग्रामीणों के ऊपर, कम से कम यहाँ पर पब्लिक थे 15,000 के आसपास, उस बीच में फायरिंग कर 3 ग्रामीणों को वहीं पर मौत की घाट उतार दिए गए पुलिस जवानों ने। इसीलिए हम यहाँ से बस्तर में जितने भी एसटीएफ हो, जिला पुलिस बल हो या सीआरपीएफ हो, इसीलिए हम बस्तर से पूरे पुलिस फोर्स वापस जाने की मांग भी किए हैं। साल भर हो गए, कैलेंडर में तारीख बदली, दुनिया में मौसम बारिश ठंड गर्मी, ये आदिवासी यहीं डटे रहे। रोड पुल पुलिया नया पुलिस कैंप हमें नहीं चाहिए। कैंप हटाने के लिए गांव में कैंप लाके पूरे गांव वालों के नक्शे बोल के जेहल में टूंजते, महिलाओं पर महिला जंगल में जाते, लकड़ी उकड़ी मछली उछली पकड़ने जाते, पत्ता तोड़ने जाते, महिलाओं को भी, गर्भवती महिलाओं को भी कहीं ना कहीं बीस मिलते हो, उसको पकड़ के बलात्कार अत्याचार करते सर। इसलिए हम कैंप सिलगेर कैंप हटाना है, सिलगेर कैंप नहीं से बोल के हम यहाँ धरना जारी के रख रहे हैं। बस्तर में मतलब लोकल गांव में कैंप नहीं लाना है कर, रोड बनाते बनाते क्या कर रहे, अब कैंप ला रहे, कैंप लाने के बाद क्या कर रहे, फॉरेस्ट वाला आ रहे, पूरा जंगल को जब्ती कर रहे, खेती मन को पूरा, हम फिर पूरा जब्ती करने के बाद हम कहाँ जाके जिएंगे ऐसा, इसलिए परिस्थिति को देख के हम संघर्ष कर रहे हैं। जिस गांव में कैंप का विरोध है, वहां आज़ादी के 73 साल बाद भी बिजली के तार नहीं पहुंचे हैं। 1200 की आबादी है, जिसमें गोंड मुरिया प्रमुख हैं, वनोपज से जीवन चलाते हैं। जिस सड़क को बनाने के लिए सिलगेर में कैंप स्थापित किया जा रहा है, वो जगरगुंडा को बीजापुर के आवापल्ली से जोड़ती है। सलमा जुड़म से पहले सब ठीक था, लेकिन फिर सब ठहर सा गया। सिलगेर में ग्रामीणों की मांग है दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, मृतकों के परिजनों को मुआवजा मिले, 5 लाख नहीं बल्कि 1 करोड़ रुपए। हमारे यहाँ उसका चेक वेक बन के तैयार है, नाजिर के पास पड़ा हुआ है, तो ये कहना गलत है कि वो मुआवजा नहीं मिला है हमको। कितना मुआवजा दे रहे हैं सरकार? अभी 5 लाख है अभी की तारीख में। और ये लोग डिमांड कितनी कर रहे हैं? डिमांड तो उनकी अलग अलग रहती है, अब इन्होंने ज्ञापन भी दिया है 1 करोड़ का मांग किया है। काफ़ी केस में वापसी हुआ है, केस वापसी हुआ है, और परीक्षण करके जो उस लायक के केस हैं उसमें शासन को इसमें निर्णय लेना है। सरकार का कहना है लोग नक्सलियों के दबाव में बैठे हैं, विकास से कोई नाराजगी नहीं है, लेकिन विपक्ष ग्रामीणों की मौत पर सरकार को घेर रहा है। सिलगेर में साल भर से बैठे हैं, कई लोग कह रहे हैं आप बात क्यों नहीं कर रहे, मिलने क्यों नहीं जा रहे? नहीं, मैं तो कई लोगों से मिला हूँ, सिलगेर के लोगों से मिला, प्रभावित लोगों से मिला, अब जांच रिपोर्ट भी आ गई है, उसके हिसाब से हम काम करेंगे। लेकिन हो क्या रहा है, उन लोगों से बात करने पे जो नक्सली हैं उस दबाव में आके बैठते हैं, कोई इच्छा से नहीं बैठ रहे हैं, ये स्थिति बन रही है। राहुल गांधी को खुश करने के लिए हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल किसानों के लिए जाके 50 लाख की घोषणा करते हैं, पर जहाँ एक वनवासी की गोली मार के हत्या हो जाती है, पुलिस स्वीकार कर लेता है, जांच करने के बाद तथ्य सामने आ जाते हैं, इसके बाद भी आज तक उसे आर्थिक सहायता नहीं दी गई। ये है छत्तीसगढ़ की सरकार और ये है कांग्रेस की नीति। सुनो जवानों, प्यारे साथियों, सुनो भारत के इतिहास को देखो रे। प्रदर्शनकारी न्यायिक जांच और 1 करोड़ के मुआवजे की मांग कर रहे हैं। सरकार ने 12 अगस्त को एसडीएम से जांच तो करवाई थी, लेकिन अभी तक जांच रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया गया है। से, आजादी बनाया।
सिलगेर के बाद जौंदरेज और बेला भाटिया जैसे सामाजिक कार्यकर्ता वहां जाना चाहते थे, उन्हें जाने नहीं दिया गया। एडसमेटा, ताड़मेटला और सारकेगुड़ा की जांच रिपोर्ट आ गई, लेकिन दोषियों पर कार्रवाई नहीं हुई। सिलगेर से प्रदर्शनकारी दो दफे मुख्यमंत्री से मिले, लेकिन कोई हल नहीं निकला। होता यही है, कैलेंडर में तारीख बदलती है और कुर्सी पर नेता, लेकिन इन लोगों को हल नहीं मिलता। सिलगेर से अपने सहयोगी रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया।